हे गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं निलुफर और आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल टेक निलुफर में। और आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसके द्वारा आप किसी भी गूगल इमेज को अपने कंटेंट में या यूट्यूब पर यूज़ करते हैं और उस पर नहीं आएगा बिल्कुल भी कॉपीराइट स्ट्राइक। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसकी एक है ट्रिक, उस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और कंप्लीट देखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और आप सीख लेते हैं कि हम गूगल से किसी भी इमेज को कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बिना कैसे यूज़ करें। ठीक है, जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना है ऐसी वीडियो हम कहाँ से, सॉरी वीडियो या फिर ऑडियो कहाँ से या फिर इमेज। आज हम बात करने वाले हैं इमेज के बारे में, तो आज हम इमेज को ही देख लेते हैं। ये देखिए, हम हैं गूगल पर। आप सिंपली, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। और ये हम आ गए गूगल पर और हम यहाँ पर सर्च करते हैं अपना कोई भी, मान लीजिए मुझे सर्च करना है लिंक्डइन। चलिए रोज ट्राई करते हैं रोज। ये फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हम अपने मोबाइल को कर लेंगे डेस्कटॉप मोड में। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्यूटर से भी सेम ऐसे ही करोगे। हमने मोबाइल को कर लिया डेस्कटॉप मोड में। ये देखिए, अब हमें यहाँ बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं। अगर हम यहाँ सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए हमें करनी होगी एक ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये जब आपने ये ट्रिक फॉलो करनी है तो आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ज़रूर करना होगा। यहाँ आप जाएंगे तो साइड में सबसे लास्ट कॉर्नर पर लिखा हुआ है टूल्स। ये देखिए, टूल्स पर क्लिक करेंगे। जब हम टूल्स पर क्लिक करेंगे, एक्सपेक्ट रिजल्ट फिल्टर विथ सेफ सर्च, ठीक है। ये देखिए, अब हम करेंगे इमेजेस पर सर्च। फिर से हमने किया एक बार टूल पर सर्च। ये देखिए, हमें सारी इमेजेस शो होने लगी हैं रोज से रिलेटेड। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब आप इसको जूम कर देखिए, यहाँ पर पहला है साइज, दूसरा है कलर्स, तीसरा है री यूजेज राइट, यानी इस पर करेंगे क्लिक। और ये जो आपको दिख रहा है लेबल फॉर री यूज विथ मॉडिफिकेशन, यानी कि री यूज विथ मॉडिफिकेशन, इस पर कर देंगे क्लिक। अब हम यहां से जो भी इमेज चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। हमें गूगल या फिर यूट्यूब कभी भी उस पर कॉपीराइट नहीं देगा और वो इमेज हमारी हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप उसको जब रीयूज़ करेंगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ अपना ऐड कर दें, पिक्सलैब में जाकर ऐड कर लें तो और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी सिंपली, मान चलिए मैं आपको एक डाउनलोड कर दिखाती हूँ। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है पिंक, इस पर क्लिक प्रेस करेंगे और ये आ गया डाउनलोड इमेज। डाउनलोड इमेज पर क्लिक किया, ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से ओपन कर देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज हमारी हो चुकी है। अगर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे पिक्सल लैब में जाकर, आपको अगर पता नहीं है पिक्सल लैब होता क्या है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर वीडियोस में चेक कीजिएगा और आप उसको डाउनलोड कीजिए। और उसमें फिर से प्रेस करती हूँ और फिर से एक बार डाउनलोड, ये डाउनलोड बटन पर क्लिक किया, इसे ओपन कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ये पिक्चर आ चुकी है। इसी तरीके से आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर पिक्चर चाहिए आप वो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी है। और आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, आप उसको अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल में आराम से यूज़ कर सकते हैं। है ना ये मज़ेदार ट्रिक। आपको बहुत सारी ऐसी ही ट्रिक और भी देने वाली हूँ मैं, जिस अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से आपको इमेजेस चाहिए तो आप ऐसे ही डाउनलोड कीजिए। आपको और भी बहुत सारी आने वाली वीडियोस में मैं वेबसाइट्स बताऊंगी जिसमें हम कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कैसे डाउनलोड करें, कॉपी